जय माँ त्रिपुर सुंदरी, जय माँ बाला सुंदरी, जय माँ ललिता सुंदरी। तो प्रेमी भगत जनों, नवरात्र की आप सभी को शुभकामनाएं, मेरी तरफ से दिली बधाई। माता रानी आपके घर में, परिवार में, शरीर में, काम धंधे में आपका साथ दे, आपके ऊपर आशीर्वाद करे और आपको हर कठिनाई से और अभाव से माता बाहर निकाले। तो जो ये साधना की सीरीज है, इसमें मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। अब साधना के विषय में दो तीन प्रश्न आए हैं जो कि उन श्रद्धालुओं ने पूछे हैं जो यह साधना कर रहे हैं। अब ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि साथ के साथ आपके कोई बताने वाला न हो, कोई गुरु न हो, कोई मार्गदर्शक न हो ऐसा, तो फिर आपकी साधना कभी सफल नहीं होती है। अनेक लोगों की साधना इसीलिए असफल हो जाती है, बल्कि नुकसान भी उठा लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक गुरु नहीं होता, एक मार्गदर्शक नहीं होता। लेकिन जो मेरे अनुसार साधना करता है, मैं उसका पल पल तन से, मन से, आत्मा से साथ देता हूँ। तन से साथ देता हूँ मैं अपनी वाणी के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसकी समस्याओं को समझने के बाद उसको निवारण का रास्ता बताना, आगे का रास्ता बताना कि करना क्या है। और मन से, मानसिक रूप में मैं उसके साथ होता हूँ, ताकि कोई भी नेगेटिव शक्ति, कोई भी बुरी शक्ति उसके जप ऊर्जा को चूस न सके और उस साधक के ऊपर कोई अटैक ना कर सके, जिससे कि वह साधक परेशानी में चला जाए, साधना टूट जाए और साधना खंडित हो जाए। इसलिए मैं एक एक सवाल का जवाब आपके सामने दूंगा। तो पहला सवाल है सुशांत गुप्ता जी का, मैनपुरी से। सुशांत पूछते हैं कि गुरुदेव, मैंने 8 साल से मैं साधना कर रहा हूँ, अनेक बड़े बड़े दरबारों में भी गया हूँ, बड़े बड़े गुरुओं के पास भी गया हूँ, बड़े बड़े मैंने संत देखे हैं और किताबों से भी लेकर, YouTube से भी लेकर मैंने अनेक प्रकार की साधनाएं की हैं, लेकिन आज तक कोई भी साधना में सफल नहीं हो पाया हूँ। अधिकतर साधनाएं मेरी बीच में ही खंडित हो जाती हैं, जिनके पाप के कारण, जिनके दंड के कारण मैं बीमार रहने लगा हूँ। मैंने सोचा, आपका वीडियो देखा कि काफ़ी अच्छा लगा कि आप एक जागृत गुरु हैं, तो क्यों ना आपके द्वारा दी गई साधना को करूँ मैं। तो आज मेरा पहला दिन है और मेरा प्रयास यही था कि आपके तेज से, आपकी शक्ति से शायद मेरी साधना इस बार पूरी हो जाए और मेरे पाप कट जाएं जो मेरी पिछली साधनाओं के टूटने के दौरान हुए। परंतु गुरुजी, मैं निराश हो गया। और निराश भी क्यों हो गया, क्योंकि जैसे ही मैं साधना करने बैठा, मैंने एक एक चीज वही की जो आपने बताई, लेकिन जैसे ही साधना करने बैठा तुरंत मुझे गंदी बदबू आने लगी, बहुत ही बुरी स्मेल आने लगी, मेरे हाथों से, उंगलियों से, जैसे मैं जाप कर रहा था तो मुझे बहुत बुरी बदबू आ रही थी। मैंने माला को रखा और देखा तो मेरी उंगलियों से ही यह लैट्रिन और बाथरूम की बदबू आ रही है। तभी मैं वहाँ से उठ खड़ा हुआ। आज मैं बहुत भावुक हो गया था, रोने लगा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, जो इतने बड़े सिद्ध, इतने योगी, इनके आशीर्वाद के बाद भी मेरे साथ यही घटना हो रही है। तो गुरुजी, इसका कारण क्या है और निवारण क्या है? क्या मैं यह साधना बीच में ही छोड़ दूं? आप कुछ ऐसा बताइए कि मुझे पाप न लगे, और अगर कुछ हो सकता है तो वह बताइए। तो इस विषय में मैं बता देना चाहता हूँ सुशांत गुप्ता जी, मैनपुरी वाले। देखिए बेटा, आप पहली बार हमारे पास आए हैं और आपको इतना दृढ़ विश्वास था कि इस योगी के पास आपका काम बन जाएगा। आपका काम बन भी जाता और बनेगा भी, गारंटी से बनेगा। मैं देख लेता हूं कि समस्या क्या है। बेटा, आपके साथ जो हो रहा है ना, वो पहले भी यही होता था, अब भी यही होता है। इसके अलावा आपके ऊपर कोई संकट नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आप प्रैक्टिकली, फिजिकली रूप से गलती करते जा रहे हैं। जैसे ही आप साधना करते हैं, मैं देख रहा हूं, आपने पहले भी साधनाएं की थी, तब भी आप इसी समस्या से पीड़ित हो गए थे। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं वीडियो में वैसे बता चुका हूं पहले, लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको बोला है कि जब आप साधना में होते हैं तब आपको अपने कपड़े चेंज करते रहना चाहिए,
जैसे आप लैट्रिन जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, पेशाब करते हैं, अंग्रेजी सीट पर बैठते हैं या फिर देसी सीट पर बैठते हैं, तो पेशाब की एक दो बूंद आपकी पैंट पे, आपके कच्छे पर जरूर टपक जाती है। पहली बात ये। फिर आप साधना के समय स्नान करते हो लेकिन कच्छा नहीं चेंज करते हो, इस वजह से जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, जो गंदी शक्तियाँ होती हैं, जो मल मूत्र आदि विष्ठा की शक्तियाँ होती हैं, वो आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। क्योंकि जो मंत्र का बंधन मैं देता हूँ आपको, उस रक्षा मंत्र है, आसन मंत्र का बंधन दे दिया, माला मंत्र दे दिया, यह आपकी रक्षा क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि आपके शरीर अशुद्ध है, आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप जिस स्थान पर पूजा करते हैं वह स्थान भी अशुद्ध हो जाता है, तो शरीर भी अशुद्ध, स्थान भी अशुद्ध, तो आपको गंदी बदबू नहीं आएगी तो क्या मुझे आएगी? आपने बड़े बड़े गुरुओं के पास गए होंगे, लेकिन मुझे लगता है वो झोला जाप झोला छाप गुरु थे, जो इतनी छोटी सी समस्या आपकी हल नहीं कर पाए। मैंने साधना शुरू करवाते ही बोला था कि शरीर, मन और स्थान, तीन चीज शुद्ध होने चाहिए। अब चलो ये बातें छोड़िए, ये बकवास बातें हैं। आपको करना क्या है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप बार बार यही गलती कर रहे हैं, अपने कपड़ों को मलमूत्र से दूषित करके उन्हीं में घूमते फिरते हो अपने घर में, पूजा स्थान में। उसके लिए एक उपाय है जो मैं करता था। देखिए, जब मैंने साधना शुरू की तो मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था, मुझे तो घंटे का भी ज्ञान नहीं था, आपको तो थोड़ा बहुत ज्ञान है पूजा पाठ के बारे में, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से आता था जो कि आर्य समाजी है। उससे पहले हमारे कौम जो है, हमारी जाति जो है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित होती थी। तो हिंदू धर्म के कठिन जो जटिल प्रक्रियाएं हैं उनमें आज तक हम निपुण नहीं हो पाए हैं। ऐसा हमारी टोटल पूरी जाति के साथ है, हम हरियाणा से संबंध रखते हैं तो हम ज्यादा जटिल कर्मकांड नहीं जानते। हम नाथ परंपरा को मानते हैं जिसमें बड़ी ही आसानी से तंत्र को इतना सरल बना दिया है गुरु गोरखनाथ ने कि एक अनपढ़ आदमी भी एक सिद्ध तांत्रिक बन सकता है, कि योगी बन सकता है। तो शास्त्रों और किताबों में जो लिखा गया है संस्कृत में, वह हर आदमी के पल्ले नहीं पड़ता है, उसमें दिमाग नहीं होता है। तो आप जिस भी गुरु के पास गए थे वह था झोला छाप, उसको आपकी ये चीज पकड़ में नहीं आई है। अब इसका इलाज क्या है? देखिए, आपको करना क्या है। जब मुझे कुछ नहीं आता था तो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था, तब ये देखिए, इसको बोलते हैं गमछा, पटका, आपकी भाषा में चाहे कुछ भी बोलते हो, ये एक वस्त्र होता है जिसको हम गले में भी धारण कर सकते हैं, सर पे पगड़ी भी बना सकते हैं, और नहाते हैं तब तौलिए के रूप में भी काम आता है। आपको एक ऐसा नया कपड़ा ले आना है, और करना क्या है ये देखिए, जब भी आप साधना के लिए जाएं, नहाने के पश्चात आपको ऐसा गमछा बांध लेना है खाली, ना पैंट रहेगी, ना कच्छा रहेगा, ना शर्ट रहेगी, ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं होगा। और इसको ये मत करना कि इसको भी बाथरूम में लपेट के आओ, उसके बाद पूजा स्थल पे जाओ, तो फिर गलत हो जाओगे। आपको करना क्या है कि इसको आपको अपने मंदिर के, अपने पूजा रूम के बाहर या भीतर टांग देना है। जैसे ही आप साधना करने आते हैं तब आपको इसको बांध लेना है, साधना करने के बाद तुरंत इसको खोल देना है और एक जगह पे रख देना है। अपने नियमित कपड़े, डेली के कपड़े पहनकर कभी भी पूजा रूम में आपको प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि आपको रहन सहन आपका ठीक नहीं है, आप शुद्ध नहीं रख पाते हैं खुद को, तो इस कपड़े को आप रखिए। यदि कोई महिला है साधक जिसके साथ यही समस्या आ रही है, पूजा के समय गंदी बदबू आ रही है, तो उसको भी एक कपड़े का जुगाड़ कर लेना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के कपड़े थोड़ा और बड़े साइज का होगा जिसमें छाती और नीचे के शरीर को वो ढक सके। तो ये बिना सिला कपड़ा होता है, और इसको शुद्ध रखिए, बिल्कुल धो के इसको अच्छे से साफ करके इसको रखिए, प्रतिदिन इस पर गंगा जल छिड़क सकते हैं। तो ये साधना के दौरान आपको एक ही कपड़ा पहनना चाहिए, चाहे आप स्त्री है पुरुष है, और वह साफ शुद्ध होना चाहिए। इसके अलावा उस कपड़े को आप अपने रखिए मंदिर के आसपास, अंदर गए तो बांध लिया, बाहर गए तो बांध लिया। अब नवरात्रि की साधना है, आप सुबह पूजा करते हैं, नहाए धोए अच्छे से पूजा कर लिया आपने, लेकिन दोपहर तक आप दो तीन बार लैट्रिन बाथरूम चले गए, हर बार आप नहाए नहीं, कपड़े नहीं चेंज किए, एक ना एक तो चीज गलती करते हैं, कुछ भी गलती करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई कुछ करता है, कोई कुछ, लेकिन उसके पश्चात क्या होता है,
वह जैसे जोत जलाने चला गया, धूप लगाने चला गया या कुछ प्रसाद देने चढ़ाया, कुछ भी करने वह पूजा कक्ष में घुसा, अशुद्ध कपड़ों के साथ घुसा, तो आपकी साधना खंडित होनी तय है, आपको बदबू आनी तय है। गलत और नेगेटिव शक्ति, गंदी शक्ति, जो बदबू वाली शक्तियाँ होती हैं, मलमूत्र विष्ठा की शक्तियाँ होती हैं, ऐसी शक्तियाँ आपको आकर्षित करके आपको पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं और आप डबल परेशान होते हो, इसलिए आपके साथ ये पीड़ाएँ होती हैं। तो पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न है भोग से संबंधित, ये पूछा है हमसे शीतल नागरे जी ने। शीतल लिखती हैं कि गुरुदेव अब भोग का क्या करना है, ये जो पांच मिठाई मंगाई थी, पांच फल मंगाए थे, तो बेटा इनका कुछ नहीं करना है, आपको पांचों मिठाई में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा तोड़ लेना है, इतना इतना सा, और उसको अग्नि पर भोग दे देना है। भोग किसको देना है वो मैंने बताया है, एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको थोड़ा सा टुकड़ा डालना है भगवान गणेश के नाम से, उसके बाद अपनी कुल देवी, फिर कुल देवता, फिर अपने घर के पितर, और फिर माता त्रिपुर बाला सुंदरी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ ललिता, इनके नाम से डालना है आपको, जिनकी आप साधना कर रहे हैं त्रिपुर सुंदरी की, इनके नाम से डालेंगे। और इसके बाद एक आप डालेंगे अपने अक्षेत्र की शीतला के नाम से, अपनी माता शीतला के नाम से डालिए, और एक डालिए अपने नगर खेड़ा के नाम से, यानी कि जो आपके ग्राम देवता है, कहीं जगह डी बाबा कहा जाता है, कहीं जगह भूमिया कहा जाता है, कहीं जगह अक्षेत्रपाल कहा जाता है, कहीं नगर खेड़ा, ग्राम खेड़ा, नगर देवता, ग्राम देवता, अनेक नाम है उनके। बाकी आप डाले तो बोल दीजिएगा कि हमारे अक्षेत्र के अक्षेत्रपाल के नाम से। तो इन छः आदमियों को उसमें से थोड़ा थोड़ा भोग दीजिएगा, और उसके बाद जो पांच मिठाई है अपने बच्चों में और खुद उनको खा लीजिए। फलों का क्या है, फलों को भगवान के पास आपने भोग लगा दिया, फिर उन पांचों फलों को काट लीजिए और अपने परिवार को प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। ये हो गया। कल से आपको भोग देना है खाली लौंग और मिश्री का, दो लौंग लेंगे और एक मिश्री का, मिश्री लेंगे आप, तीन, ये तीन हो गया, दो लौंग एक मिश्री, लौंग को घी में डुबाएंगे और आग पे भोग देंगे, गणेश जी को, कुल देवी को, कुल देवता को, अपने पितर को, माँ त्रिपुर सुंदरी को, माता शीतला को और अक्षेत्रपाल को, इनको आप दो लोग एक मिश्री का भोग डालेंगे। एक चुटकी में काला तिल और जौ और जो उड़द, एक कटोरी में मैंने मिक्स रखवा रखी है, एक चुटकी लेंगे गणेश जी, माता कुल देवी, कुल देवता, पितर, माँ त्रिपुर सुंदरी, शीतला और अक्षेत्रपाल, उसी से देना है एक चुटकी में, एक चुटकी लेके ऐसे डालते रहें आप, अग्नि पर यह भोग चलेगा। ठीक है बेटा, भोग का हो गया आपका क्लियर। अगला है ध्यान कार्डियो, ध्यान कार्डियो, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आप मंत्र जाप कर लेते हैं उसके बाद आपको ऐसे लगा लेना है हेडफोन, और उसको कनेक्ट करना है फोन में, और जो ध्यान कार्डियो मैंने भेजा उसको चला लेना है, दोनों उंगलियां ऐसे फंसा लेनी है आपस में, अंगूठा भी ऐसे बंद होना चाहिए ताकि ऊर्जा बाहर ना बहे। इसको रखे अपनी गोद में, बिल्कुल अपनी गोद में रखे, और 10 मिनट का 12 मिनट का वह ऑडियो है ध्यान का, उसको बिल्कुल सीधी रीड करके, बिल्कुल सीधी सांसें सामान्य चलने दे, और खाली उस ऑडियो पे ध्यान दे, और 10-12 मिनट के बाद वो ध्यान हो जाएगा। इसके बाद जो रात का ध्यान है सोते समय आपको करना है, वह करना है बिल्कुल सोते समय, जब आपको सोना ही हो, उसके अलावा कुछ करना ना हो, तब आपको बिल्कुल सीधा लेट जाना है, बिल्कुल सीधा, आपकी छाती पेट ऊपर की तरफ होना चाहिए, आसमान की तरफ, तकिया नहीं लगाना है, बिल्कुल सीधा रहना है आपको अपने बेड पे, पैर बिल्कुल सीधे खुले, पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखिए ऐसे, और बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में लेट जाइए, रिलैक्स में लेट जाइए, जिससे आपको लगे कि न तो शरीर में कोई खिंचाव है, न कोई दबाव है, न कोई तनाव है, बिल्कुल नॉर्मल लेट गए। इसके बाद उंगलियों को फंसा लीजिए ऐसे, और उसको रखिए अपने नाभि चक्कर पे, ऐसे बंद रखनी है ये, लेकिन इनको ज़्यादा जोर से पकड़ना नहीं है, सिर्फ फंसा के ऐसे कर लेना नॉर्मल, और ढीला छोड़ देना यहाँ पे रख के। अब ऑडियो लगाइए कानों में और उसको चला के सुनते सुनते सो जाइए, तो ध्यान के ऑडियो का ये होगा। मैं वीडियो भी बना दूंगा लेट के कैसे करना है, बाकी आपको बता दिया सीधा लेट जाना है आपको, खाली हाथ छाती पे रहेंगे ऐसे, छाती और नाभि के बीच में, नाभि चक्कर जहाँ होता है, बंद करके आंखें बंद होंगी, और खाली वो सुनना है आपको, रिलैक्स होके सुनना है। ये हो गया आपका ध्यान। चौथा है प्रश्न, शरीर आगे पीछे होना, तो ये निहाल है नेपाल से, रूपमदेही जिला, ये हमारे काफ़ी अच्छे शिष्य हैं, काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, इनको मसाणी क्रिया थी, माता आसो महरा त्राणी का तंत्र इनके ऊपर चढ़ा रखा था किसी ने,
तो इनका इलाज हमने किया, आज ये पूर्ण स्वस्थ हैं, अब ये भक्ति की लाइन में चल पड़े हैं। और नेपाल में जिसको भी इलाज कराना हो, कोई आसपास के नेपाल के हो जो हरिद्वार ना आ सकता हो, वो संपर्क कर सकता है निहाल रुनियाद जी से, ठीक है। ये हमारे शिष्य हैं, तो उन्होंने कहा कि शरीर का आगे पीछे होना, शरीर का आगे पीछे होना है बेटा, ये कुंडली से संबंधित होता है। जब आपको कोई गुरु मंत्र देता है, गुरु की शक्ति, और वह गुरु शक्तिवान होना चाहिए, कोई झोला छाप नहीं होना चाहिए, जिसने खुद उस मंत्र को सिद्ध कर रखा हो और उस देवता के साथ उसके डायरेक्ट संबंध हो, तब जब वह आपको मंत्र देता है तो मंत्र की जाप की ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र में बैठी, जो शिवलिंग के चारों तरफ 3.5 फेरे लगा के कुंडलिनी शक्ति, यानी कि हमारी मातृशक्ति, ऊर्जा शक्ति, हमारी आत्मा की शक्ति, माँ काली की शक्ति कहिए उसको, आदि शक्ति कहिए, कुछ भी कहिए, कुंडलिनी की शक्ति ही, कुंडलिनी जहाँ फेरा लगा के लेटी है, तो मंत्र की जो जाप की चोट है उस पर बार बार पड़ती है और उसको जगाना चाहती है वह, तो उसकी चोट पड़ पड़ के वह कुंडलिनी जागृत हो जाती है, अपना फन उठाती है, फिर वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है, मूलाधार से निकल के वह स्वाधिष्ठान चक्र को भेजती है, फिर आपके नाभि चक्र को भेजती है, फिर आपके हृदय चक्र को भेजती है, फिर आपके कंठ चक्र में आके रुक जाती है। इसका रुकने का कारण क्या है, ये सभी चक्र आसानी से पास किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आके वह रुकती है। यहाँ का द्वार जो होता है ना, वो बंद होता है, वहाँ लोक लगा होता है, इसको खाली एक गुरु खोल सकता है, और गुरु भी वह खोल सकता है जो ऊर्जावान हो, शक्तिवान हो, जिसने खुद इन कामों को किया हो, कोई झोला छाप पाखंडी आपकी कुंडली नहीं खोल सकता है। तो यहाँ पे आने के बाद रुक जाते हैं कंठ चक्कर पे, उसके बाद आप गुरु के पास जाते हैं, गुरु आपको शक्ति पात देता है, हाथ से दे, नजरों से दे, किसी भी तरह से अपने अंश आपके भीतर उतारे, आपकी कुंडली शक्ति को उठा देता है और कंठ चक्कर खुल जाता है। फिर यह सीधा आपके यहाँ पे आज्ञा चक्कर पे, यानी कि दिव्य दृष्टि का केंद्र जो होता है, ज्ञान चक्र, अजना चक्र इसको बोला जाता है, यहाँ पर आकर कुंडलिनी शक्ति आपके आज्ञा चक्र को खोल देती है, जिससे आपकी दिव्य दृष्टि शुरू हो जाती है। फिर तो आप खुद ही करने लग जाते हैं, क्योंकि आपको अनुभव होने लग जाते हैं कि मुझे अब आगे क्या करना है, हर चीज़ को बारीकी से आप समझने लगते हो, जो भी चीज़ आप देखते हो, जो भी चीज़ देखते हो उसको पूरी तरह से जान लेते हो, आपके भीतर यह शक्ति आ जाती है। यहाँ आने के बाद कुंडलिनी शक्ति एक बार फिर फेरा लगाती है दाई तरफ और हृदय में आकर स्थिर हो जाती है, हृदय यानी कि अनाहत चक्र। यहाँ पर स्थिर हो जाने के बाद ये समझिए कि आपकी कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत हो गई है। ये नहीं कि यहाँ आने के बाद आप समझ जाओगे कुंडलिनी शक्ति मेरी जागृत हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है, वह घूमती है यहाँ से, आपको सब महसूस हो जाएगा जैसे जैसे, खाली आप यहाँ तक पहुँचाइए, उसके बाद तो कुंडलिनी ऑटोमेटिक अपने काम करने लग जाती है, उसको कैसे सांस लेना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे जाप करना है, कुंडलिनी स्वयं आपको सब कुछ करवा देती है, क्योंकि आपके भीतर आप नहीं रहते हैं। द्विज, द्विज किसे बोला जाता है, ब्राह्मणों को द्विज बोला जाता था, द्विज का मतलब मैं बताता हूँ रियल क्या होता है, किसी भी पाखंडी भाषा में आपको नहीं पढ़ना है, द्विज का मतलब होता है जिसने दोबारा जन्म लिया है, और दोबारा जन्म कोई मर के नहीं ले सकता है, ये फिजिकल मौत नहीं होती है, यह आपके मैं की मौत होती है, जिसके बाद आपके भीतर एक अन्य का जन्म होता है, अन्य वह एक नया ही पुरुष होता है, तो वह आपके भीतर ज्ञान और विवेक होता है, चाहे उसको कुछ भी मान लीजिए, आपके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि आप हर विषय में जानने लगते हो, हर विषय को सेवा करने लगते हो, आपके समक्ष यदि कोई बैठ गया तो आप उसकी पूरी कुंडली खोल सकते हो, 5 साल तक, 10 साल तक, 50 साल तक, उसके 5 जन्म तक आप बता सकते हो कि यह व्यक्ति क्या था, क्या किया, क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब आपके भीतर भविष्य का ज्ञान, वर्तमान का ज्ञान, भूतकाल का ज्ञान, हर चीज आपके भीतर आ जाती है। तो यह आज्ञा चक्र के जागृत होने के बारे में है। अगला प्रश्न पूरे हो गए। हाँ, तो निहाल बेटा मैं यही कह रहा था कि ये कुंडलिनी पर चोट पड़ती है और कुंडलिनी चक्कर जब उठने की कोशिश करती है तो शरीर ऐसे आगे पीछे होने लग जाता है। आपका भी होता है, पहले हमारा भी हुआ था, लेकिन हमें हमारे गुरुजी ने बता दिया था टाइम रहते, आपको हम बता रहे हैं, यह कुंडलिनी शक्ति के कारण होता है। कई लोगों को भूत प्रेत की वजह से होता है, क्योंकि मूलाधार चक्कर होता है, वहां पर भूत प्रेत भी आकर बैठ जाते हैं, और भूत प्रेत जो होते हैं वह भी ऊपर की तरफ उठते हैं, जैसे ही आप जाप करते हैं ऊपर की तरफ उठते उठते जब वो यहाँ पे आ जाते हैं, आज्ञा चक्कर पे आ जाते हैं, तो आपके शरीर को कंट्रोल कर लेते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, सवारी आती है, वो बोलते हैं, चिल्लाते हैं, गालियाँ देते हैं, तो वो प्रेत ही तो होता है, वो यहाँ पर आ जाता है उठ के जाप की वजह से। तो आपके कोई भूत प्रेत नहीं है, आपके कुंडलिनी शक्ति की ताकत है ये, जो आपके शरीर को आगे पीछे कर रही है। इसका कारण क्या है, कुंडलिनी एक महाशक्ति है, प्रबल शक्ति है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि वह आपके शरीर में थोड़ा बहुत चलेगी, इधर उधर डोलेगी, थोड़ा पन उठाने की कोशिश करेगी, तो आपका शरीर एक मानव का शरीर है जो मिट्टी में मिल जाना है, इसमें कोई ताकत नहीं, कोई ऊर्जा नहीं होती है,
यह मिट्टी और पानी का पुतला होता है, तो यह झेल नहीं पाता है उस शक्ति को, और ऐसे ऐसे आपका शरीर करता है, किसी का ऐसे ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। यह भूत में भी और कुंडलिनी में दोनों में ऐसा माना जाता है। तो कुंडलिनी शक्ति जिसके जागृत हो जाए वह देव हो जाता है, देव तुल्य हो जाता है। तो आज के लिए ये प्रश्न मैंने बता दिए। अब डेली मैं ऐसे ही प्रश्न बताऊंगा, जो भी आपको समस्याएं आती है अपनी साधना के दौरान आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं हर वीडियो पे डालता हूँ, आप किसी भी समय मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे समय लगे 2 घंटे में 4 घंटे में 10 घंटे में 15 घंटे में, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, और जो सही प्रश्न पूछते हैं उनके तो तुरंत रिप्लाई देता हूँ, जो टाइम पास करते हैं उनको मना कर देता हूँ कि मुझे नहीं पता भागो यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। आदेश गुरु गोरखनाथ। जय मातृपुर बाला सुंदरी। जय मेरी कुल देवी। जय श्री विद्या।